डॉक्टर विनोद शर्मा, अ प्रोमिनेंट एजुकेशनिस्ट, ट्रेनर एंड ब्रेन साइंस इंस्ट्रक्टर, हु हैज ऑल्सो रजिस्टर्ड हिज नेम इन द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स. ही इज इंटरनेशनली रिनाउंड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एजुकेशन फील्ड. ही विजिटेड GIE इंटरनेशनल स्कूल रुद्रपुर. GIE International School Rudrapur is also famous for delivering excellence. It has efficiently managed to focus on all-round development of its children. More than 10 students of GIE International School made world records with the help of teachers and using technology of Dr. Vinod Sharma. Vinod Sharma said that, in fact, all the teachers should visit GIE school once and learn how the children are being taught in a happy environment. In fact, the curriculum of the school is unique and the education is being imparted to the children with moral values. It is exceptional that they are building their future, and these children will bring laurels not only to their school but also to their country at the global level. He went to every class, met the children and provided them important education tips. He was surprised how his software was so efficiently used by GIE International School Rudrapur. He also stated that with the right tools, a student can learn in a fun and better way. In conversation with Voice Asia News, he has shared valuable insights about our current education system. He praised the students of the GIE International School Rudrapur and said that every school should try to inculcate mannerism, morals and values, skill development, intelligence and permanent knowledge like GIE International School Rudrapur is doing. With the right tools, skills and knowledge, students can learn in a more effective manner and will be able to achieve their dreams and goals. GIE International School is providing their students with those skills and tools, and results are visible with their outstanding performance. Efforts put by GIE International School Rudrapur are exemplary and inspirational. ये हरप्रीत है जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है और इतनी सी उम्र में और दुनिया के सारे कंट्री कैपिटल सब याद है और सबसे फास्ट से सुनाते हैं. चलो देखते हैं इनका इनका हुनर. जो वर्ड बोले हैं बिल्कुल सही बोले हैं, पर ये इतना फास्ट है कि आपको स्लो में सुनना पड़ेगा, पर सारे कंट्री के कैपिटल बिल्कुल सिखता है. जॉय इन एजुकेशन, अपने आप में इस नाम में ही शायद एजुकेशन का सबसे बड़ा सार छुपा हुआ है. और मैं उसी स्कूल में हूँ आज रुद्रपुर में, और मेरे साथ में थैंक यू कौशल जी, आपने मुझे बुलाया, और मैम हैं यहाँ के प्रिंसिपल मैम और यहाँ के ओनर हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं यहाँ के छोटे छोटे बच्चों से मिला जिन्होंने इतनी सारी चीज़ें याद कर रखी हैं कि अपने आप में सरप्राइज़ है. यूजुअली जो तनाव हम देखते हैं याद ना होने का, वो इन बच्चों में कहीं नज़र ही नहीं आया. इन बच्चों को सब कुछ याद था. किसी बच्चे को बहुत सारे कंट्री के कैपिटल्स याद थे, किसी बच्चे ने बहुत सारे कंट्रीज़ के फ्लैग्स बता दिए, कोई बहुत तेज़ी से हनुमान चालीसा पढ़ देते हैं, तो कोई बहुत तेज़ी से पहाड़े सुना देते हैं, कोई जो है जीके के बहुत सारे सवाल उन्होंने याद कर रखे थे. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से मेधा का सदुपयोग ये कर रहे हैं, इस तरह से वो पढ़ाई को न सिर्फ समझ रहे हैं बल्कि वो इन्जॉय कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, कहीं कहीं मेमोरी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. और मुझे अच्छा लगा जब मैंने प्राइम मिनिस्टर्स के नाम पूछे या जब मैंने इनसे इन्वेंशन इन्वर्टर पूछे, तब मैंने देखा कि हाँ ये छोटे छोटे बच्चे, यूजुअली मेमोरी टेक्निक का हम लोग जब देखते हैं तो 9 साल से बड़े बच्चों पर यूज़ करें ऐसा हम कहते हैं, लेकिन आज मैंने इस बात को यहीं पर गलत साबित होते हुए देखा है. और यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे यानी कि प्री स्कूल के बच्चे भी जब उसको यूज़ कर रहे थे तो बहुत तेज़ी से बता रहे थे, तो मैं देख पा रहा था कि ये अब उतना लिमिटेड नहीं रह गया, ये सब बच्चों तक पहुंच रहा है. और ये एक नया रूप है शिक्षा का जिसका श्रेय जाता है मैम को, जिन्होंने ये सारी चीज़ें इसकी प्रिपेयर कराई इनको. और मैम आपने इसको
मैं मेरी टेक्निक को यूज़ किया, आज आपने ब्रेनीवुड सॉफ्टवेयर यूज़ किया, कैसा लगा आपको, क्या लगता है आपको ये एजुकेशन में इसका क्या इस्तेमाल किया जा सकता है ये? क्योंकि मैंने खुद भी अभी तक जब बच्चों को पढ़ाया तो मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि बड़े बच्चे जो होते हैं जिनकी उम्र 9 साल 10 साल से ज़्यादा है, जो 4th 5th क्लास से ऊपर पढ़ते हैं, लेकिन आपने इसका इस्तेमाल छोटे बच्चों पर किया और मैं सरप्राइज रह गया कि ये वहाँ पर और अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो आपका क्या, कैसा लगा मैम आपको ये सॉफ्टवेयर, ये टेक्निक्स, और कैसा लगता है आपको अपने बच्चों को जब इस तरह से वो बताते हैं देख करके? सर, जो आपका ब्रेनी वुड का जो सॉफ्टवेयर है उसके हेल्प से हमारे आज 10 बच्चे जो है इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ रहे हैं, इसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलूँगी। और आपके सॉफ्टवेयर को भी बहुत ही लाइक करते हैं मेरे बच्चे, और जब भी मैं दिखाती हूँ बड़े खुश होते हैं। थैंक यू सर। आपने मुझे यहाँ बुलाया, आप ये कह रहे थे कि मेरा आना आपके लिए सरप्राइज था, पर मैं जब यहाँ आया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप इनको इस तरह से सिखाते रहिए, और मैं ज़रूर आऊँगा दोबारा से जब ये सारे ही बच्चे कुछ ऐसा कुछ करेंगे, आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। इसके बहुत सारे कैटेगरीज हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के और भी, और ये जो मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे इसमें मेथड्स होते हैं, इसका एक मकसद होता है कि पढ़ाई को इस तरह भी किया जा सकता है, पढ़ाई को इंजॉय भी किया जा सकता है, पढ़ाई को आसानी से याद भी किया जा सकता है, और पढ़ाई को देखने सुनने समझने का नज़रिया बदल जाता है, उससे कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का बदल जाता है, जो कि मैंने अब तक बड़े बच्चों में तो देखा था, पर आपने जो करके दिखाया ये अपने आप में एक चमत्कार है। इस तरह से इस पर्टिकुलर टूल का ऐसा शानदार इस्तेमाल आपने किया, इन बच्चों की फाउंडेशन आपने जो मजबूत की है। सर, इनके पीछे ना हमारे टीचर्स की भी बहुत बड़ी जो मैं इनको इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि मैम ये होना है, सर ये होना है, तो वो करके हमेशा यही कहता हूँ कि ब्रेन साइंस, ब्रेनीवुड, ये सब तो टूल है, ये टूल अगर सही कारीगर के हाथों में आ जाए कोई भी स्क्रू खुल जाता है, तो वो बिल्कुल, वो अगर सही मूर्तिकार के हाथों में आ जाए तो वो पत्थर को भी सुंदर मूर्ति बना देता है। तो वो आप लोग कर रहे हैं, मैं पुनः धन्यवाद भी दूंगा, और मैं बार बार ये कहता रहूंगा कि मेरा आना हमेशा एक मेरा सौभाग्य बना रहेगा। कौशल भैया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो शिक्षा के अंदर इस तरह से मुहिम चला के बैठे हैं कि वो हर बच्चे को स्ट्रेस फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं, साइंटिफिक दृष्टिकोण देना चाहते हैं। इसमें मेरा जो छोटा मोटा योगदान रहा उसके लिए मुझे अपने बहुत बड़ा योगदान रहा, और आगे भी चाहिए हमको। थैंक यू सो मच मैम।